प्रदेशवासियों के लिए इस वक्त की एक नई जानकारी, जहां 15 अगस्त के इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने की कई बड़ी घोषणाएं। दरअसल छत्तीसगढ़ में आजादी का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल ने रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में भव्य गरिमामय कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 76वीं वर्षगांठ पर बधाई और शुभकामनाएं भी दी। इसके बाद परेड की सलामी ली। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी, कई बड़ी घोषणाएं की हैं। तो इसमें सबसे पहला ये कि छेड़खाने की तो शासकीय नौकरियों से बर्खास्त। जी हां, महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं उनकी अस्मिता बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि बालिकाओं एवं महिलाओं से छेड़छाड़, दुष्कर्म आदि के आरोपियों को शासकीय नौकरियों से प्रतिबंधित किया जाएगा। दूसरा घोषणा ये है कि छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में लंबी कूद, 100 मीटर दौड़ एवं कुश्ती के खेल में 18 से 40 वर्ष के आयु वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित किया जाएगा और यह प्रावधान इसी वर्ष से लागू किए जाएंगे। इनके अलावा तीसरी घोषणाएं ये है कि शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्रों को शासकीय शालाओं के 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थी भी इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर रूप से तैयारी कर सके। इसके लिए देश के ख्याति प्राप्त कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाइन कोचिंग निःशुल्क कराने की व्यवस्था हम शीघ्र ही करने जा रहे हैं। इसके लिए सभी विकास खंड मुख्यालयों में ऑनलाइन कोचिंग कक्षाओं की व्यवस्था भी की जाएगी। और चौथा घोषणा ये है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत संविदा प्रशिक्षण अधिकारियों के एकमुश्त संविदा वेतन को 25,780 रुपए से बढ़ाकर प्रतिमाह 32,740 रुपए करने तथा मेहमान प्रवक्ताओं के प्रतिमाह अधिकतम भुगतान की सीमा को 13,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की है। इस तरीके से 12 घोषणाएं की गई है। तो इनमें से हम आपको 8 घोषणाओं को आगे वीडियो में बताएंगे। इसके पहले यदि आप चैनल पर नए हो या फिर सीजी 36 न्यूज को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सीजी 36 न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसी ही नई नई जानकारी आपको मिलती रहे। इसी बीच बात करें पांचवें घोषणा की, तो प्रदेश के साहित्यिक वातावरण को और भी सुदृढ़ करने के लिए साहित्यकारों को 3 श्रेणियों में छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी सम्मान दिए जाने की घोषणा की है। छठवां ये कि रेशम कीट पालन एवं मधुमक्खी पालन को कृषि का दर्जा। जी हां, मछली पालन और लाख पालन को कृषि का दर्जा दिए जाने के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में अब रेशम कीट एवं मधुमक्खी पालन को भी कृषि का दर्जा देने की घोषणा की है। इसी बीच सातवें घोषणा की बात करें तो छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुटकुट पालन को प्रोत्साहित करने, नवीन रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित किए जाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ कुटकुट पालन प्रोत्साहन योजना प्रारंभ किए जाने की घोषणा की है और इस योजना के अंतर्गत कुटकुट पालकों को सब्सिडी तथा वाणिज्य कर दर से स्थान पर अब रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। इनके अलावा आठवां घोषणा ये है कि शासकीय महाविद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को घर से कॉलेज और कॉलेज से घर जाने के लिए बस के माध्यम से निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं नौवां घोषणा ये है कि छत्तीसगढ़ की अस्मिता और पहचान छत्तीसगढ़ी भाषा से है। अगले शिक्षा सत्र से राज्य के जिन क्षेत्रों में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है वहाँ छत्तीसगढ़ी भाषा एवं आदिवासी क्षेत्रों में वहाँ की स्थानीय बोली को कक्षा 1 से कक्षा 5वीं तक पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में सम्मिलित किया जाएगा। दसवां घोषणा ये है कि शहरी स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में भी 20% वृद्धि। जी हाँ, स्वच्छता दीदियों के उत्कृष्ट कार्यों के कारण ही हमारे प्रदेश ने लगातार 3 बार देश का स्वच्छतम राज्य होने का गौरव हासिल किया। यही वजह है कि शहरी आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत सामुदायिक संगठनों के उत्कृष्ट कार्यों को देखते हुए उनके मानदेय में भी 20% बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। इस बीच ग्यारहवां घोषणा ये है कि मेहनत कश निर्माण श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना प्रारंभ करने की घोषणा। इसमें निर्माण कार्य करने वाले ऐसे मजदूर जिनकी आयु 60 वर्ष पूरी हो चुकी हो तथा 10 साल तक पंजीकृत रहे हो, उन्हें जीवन पर्यंत हर महीने 1500 रुपए मासिक पेंशन दी जाएगी। लास्ट और बारहवां घोषणा ये है कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा सुविधाओं में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले अंशकालीन सफाई कर्मी भाई बहनों को एवं मध्याह्न भोजन कार्यक्रम से जुड़े रसोइयों के मानदेय में 500 रुपए प्रति माह वृद्धि किए जाने की घोषणा की गई है।
तो ये रहा दोस्तों मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई घोषणाएं जो कि हमने आपको बता दी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। ओके, मिलते हैं नई जानकारियों के साथ नेक्स्ट अपडेट में।